खबर आपको दे दे, पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का हालचाल जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात करीब 8 बजे एम्स जा रहे हैं। जेटली 10 दिनों से एम्स में भर्ती हैं। सांस लेने में तकलीफ के बाद अरुण जेटली को एम्स में भर्ती किया गया था। आज उन्हें देखने के लिए एम्स में वीवीआईपीज का तांता लगा रहा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एम्स में जाकर जेटली का हालचाल जाना। वहीं स्मृति ईरानी, अरविंद केजरीवाल और रामविलास पासवान भी जेटली को देखने के लिए एम्स पहुंचे। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाकर उनका हालचाल जानेंगे। 9 अगस्त को एम्स में भर्ती कराए गए थे अरुण जेटली, तभी से उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। तमाम वीवीआईपीज का ताला लगा हुआ है। उन्हें देखने के लिए उनके परिवार वालों से भी इस बारे में बातचीत की गई है। डॉक्टर्स से लगातार इस बारे में जो भी उनके नजदीकी लोग हैं वो जानकारी ले रहे हैं। वहीं आज एक तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जाकर जहां मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, तो वहीं दूसरी तरफ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज रात 8 बजे यानी कि तकरीबन 1.5 घंटे के बाद एम्स पहुंचने वाले हैं। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुनीश, दिन भर वीवीआईपीज का ताता लगा रहा, एम्स में पहुंचकर अरुण जेटली का हालचाल जानने के लिए रात 8 बजे प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल, अभी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर 8 बजे आने वाले हैं और अब से ठीक कुछ सेकंड्स पहले यहां पर राजनाथ सिंह भी पहुंचे हुए हैं, तो हलचल काफी बढ़ गई यहां पर। हालांकि अभी कयास नहीं लगाया जा सकता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी भूटान से वापस आने के बाद में जो उनका सबसे पहला जो उन्होंने डिसाइड किया वो ये था कि वो एम्स में आएंगे और अरुण जेटली को देखेंगे, क्योंकि अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी काफी नजदीकी रिश्ता रहा है उनका। भूटान जाने से पहले भी वो यहाँ पर हालचाल जानकर गए थे और भूटान से आने के बाद उन्होंने सबसे पहले ये तय किया कि वो अरुण जेटली को देखने यहाँ पर आएंगे। उनकी तबीयत अभी भी नाजुक बनी हुई है। राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वीवीआईपी मूवमेंट काफी बढ़ गया है यहाँ पर, जो ट्रैफिक है उसे यहाँ पर डाइवर्ट कर दिया गया है, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की बढ़ा दी गई है, तो कहीं ना कहीं देशभर से दुआओं का दौर भी जारी है अरुण जेटली के लिए। सब लोग उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं और वो दीर्घायु रहे, इस तरह की प्रार्थना भी देशभर से जारी है। इन सबके बीच रात 8 बजे एम्स पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप उनका हालचाल अभी कैसा है, तबीयत उनकी कैसी बनी हुई है, क्या किसी तरह का सुधार देखा गया है डॉक्टर्स की ओर से उनकी सेहत को लेकर, और क्या जानकारी दी गई है? मुनीश जी, चित्रा, उनकी तबीयत अभी भी नाजुक बनी हुई है। जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि बहुत अच्छी हालत में नहीं है, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो तकलीफ है उनको, सांस लेने में जो तकलीफ है उससे कहीं ना कहीं उनको उबारा जाए, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ है। और यही वजह है कि तमाम जो नेता हैं, चाहे वो मायावती की बात कर लें या संघ प्रमुख की बात कर लें, वो सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपने जो विशेष हैं वो यहाँ पर आकर उनको बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मिलने की, लेकिन डॉक्टर साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि बहुत अच्छी हालत में नहीं है वो, तबीयत उनकी नाजुक बनी हुई है। और यही वजह है कि तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहां पर आने वाले हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर 8 बजे आने वाले हैं। जी 2018 में अरुण